साहब जी आनंद बाबू और छोटी बहू रानी जी आई हैं राधिका बिटिया के साथ। बहुत शैतान भैया। भैया राजू बबलू की तबीयत इतनी खराब होगी और आपने हमें खबर नहीं की। जैसे ही भाभी का फोन आया हम तो फौरन चल दिए। हमें इतना पराया कर दिया भैया, मुझे माफ कर देना संगीता। ये अब क्या कह रहे हैं अनुराग बाबू? स्वार्थ में मैं सचमुच अंधा हो गया था अंकल। बिजनेस में सफलता पे सफलता मिली जा रही थी, समझ बैठा कि सब मेरी वजह से है। पर आंटी आनंद के चले जाने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये सफलता मेरी अकेले की नहीं, हमारी जोड़ी की है। जब से आनंद घर से गया है बिना कुछ लिए बिना कुछ मांगे मेरे मन को कभी चैन नहीं मिल पाया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बच्चों की खुशी, ज्योति की चेहरे की मुस्कुराहट। लेकिन आज हम फिर एक हो गए हैं, सब साथ साथ रहेंगे। ममता आज कितनी खुशी का दिन है, बेटी का घर फिर बस गया। मम्मी आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, विवेक भैया को कहिए कि वे वापस आ जाए। मम्मी ये विवेक भैया का ही विश्वास था कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। जिस दिन हम बैंगलोर जा रहे थे मुझे याद है उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, संगीता मेरे सारे सुख तेरे, तेरे सारे दुख मेरे। बहुत बड़ा पाप हो गया भाई, बहुत बड़ा पाप हो गया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा ममता, देखो। ना ममता तुम मेरे लिए आज भी वही ममता जिसने हमारे बच्चों को इतनी नेक परवरिश दी, उन्हें इतना अच्छा इंसान बनाया। आओ ममता रामपुर चले, हम दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ जी जी, इस वक्त साधना को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। सो एवरीथिंग नॉर्मल डॉक्टर? यस, नथिंग टू वरी। बेटा कोई घबराने की बात तो नहीं है? नहीं नहीं दादी माँ, साधना भाभी बिल्कुल ठीक है। राव साहब आप मशीन्स की फाइनल टेस्टिंग शुरू कीजिए, विनोद और मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी थैंक यू। भैया आ गए। बल्ले 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 भैया, मुबारक हो आप पापा बन गए। भैया लड़का हुआ है। सच? ओ बॉय, बहुत बहुत बधाई हो विवेक भैया। अनुराग बाबू आप? बातें बाद में होगी भैया, संगीता पहले भैया को अंदर तो ले जाओ। चलिए भैया चलो। बहू और पोते को घर ले जाने आई हूं भाभी, इससे नहीं ले जाऊंगी। चला आया, अपनी मां से एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा कसूर क्या है। सावधान, खानदान के चश्मो चिराग तशरीफ ला रहे हैं। लाइए पापा मुन्ने को हमारी गोद में। नहीं नहीं नहीं, आफ्टर ऑल हम बुआ हैं। नहीं भाई, पहले मुन्ने के पापा की बारी है।
सबसे पहले पापा की मम्मी की बारी है, लाइए। ओहो मौसी, दुनिया के सारे सुख एक तरफ, दादी बनने की खुशी एक तरफ। थैंक यू बेटा। अम्मी जान, मुन्ने से मिलने के लिए हम सब लाइन में हैं। यस, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हेलो, सबसे पहले मैं मम्मी। हाँ हाँ बिल्कुल, चाचा के पहले चाची। ये लो संभालो। चलो मिल के प्यार करेंगे। मम्मी, मुन्ने को प्यार करने का हक तो बड़े चाचा चाची का भी है। हाँ प्रेम भैया, भैया एक दिन मेरी खातिर माँ के सामने आपने एक कसम ली थी, आज मैं चाहती हूँ मेरी खातिर आप एक कसम और लें। चलिए हार पहनाइए मम्मी। अरे ये रही तेरी मम्मी। चलिए हार पहना दिया। भाभी जी, इस खुशी के मौके पर मैं उरई के गुलाब जामुन और संडिले के लड्डू लाया हूँ। भाई साहब, आप वाकई बहुत करते हैं। माफ कीजिए भाभी जी, आज तक मैंने जो कुछ किया गलत इरादों से किया, बेटी के मोह में अंधा होकर किया। मैंने चींटियों को आटा खिलाया, पीपल देवता को जल चढ़ाया, जागरण, भजन कीर्तन, अखंड पाठ, हाँ सब किए। लेकिन रामकिशन जी, आपके घर की बुनियाद को नहीं हिला पाया। अम्मा, रामकिशन जी सच कहते हैं, ये सब संस्कारों का खेल है। खुशबू है इस दिल में,
एक तू है जन्मों के साथ हम साथ साथ है जन्मों के साथ हम साथ साथ है जैसे चंदा में है चांदनी जैसे कलियों की जैसे मन में दियार बाकी हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी दिल में एक तू है जन्मों के साथ हम साथ साथ है जन्मों के साथ